अगर हम बात करें तो मैंने भी लाइव डेमो क्या है इसका ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस का, तो मतलब क्या सही चीज है अगर बोले तो इसमें 2000 रुपए का सिर्फ ये, और क्या मस्त चीज आती है, मतलब हम कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ है ये। इसमें कॉलिंग करते करते अपने आप ही अगर हम म्यूजिक चले तो कॉलिंग आती है अपने आप ऑटोमेटिकली, 5 सेकंड बाद अपने आप कॉल पिक हो जाती है और फिर हम डिस्कनेक्ट करके फिर ऑटोमेटिक गाना चल जाता है। मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है और इसकी कॉस्ट भी 2000 रुपये है और इसे हर कोई परचेज कर सकता है। अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो म्यूजिक जो इसमें आसानी से इंजॉय कर सकते हैं हम, और इसमें जो वॉइस है बहुत क्लियर आती है। अगर हम इसमें अगर कॉल करना चाहें तो इसे लॉन्ग प्रेस कीजिए जो हमने लास्ट डायल करा था या फिर जो लास्ट रिसीव की थी कॉल, तो इसे ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। और हम इसमें इंटरकॉम की बात करें तो इसमें 3 इंटरकॉम डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं आपस में अगर हम इसमें करना चाहें तो। मेरे पास दूसरा इंटरकॉम डिवाइस नहीं है, नहीं तो आपको करके दिखाता। इसकी जो रेंज है इंटरकॉम डिवाइस की तो 800 मीटर से लेके 1000 मीटर तक है और इसमें हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ऑडियो जो है आसानी से सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। तो इसकी बहुत सही लगा मुझे ये, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपने फिटिंग देख ली, इसकी अनबॉक्सिंग भी देख ली। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्स करेंगे BT इंटरकॉम हेडसेट। ये एक ब्लूटूथ इंटरकॉम हेडसेट है और ये कंपनी ने भेजा है bengu.com से, तो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। तो ये अनबॉक्सिंग होगी, उससे पहले मैं इसको यूज कर लूंगा फिर आपको सारा रिव्यू बताऊंगा। और तो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले मिलता है हमें इसमें इंटरकॉम डिवाइस जो कि इस तरफ है, यह इंटरकॉम डिवाइस। इसे पावर ऑन ऑफ का यहां पर बटन है, कॉल अटेंड का, कॉल डिक्लाइन का, और इसके अंदर यहां पर चार्जिंग दी हुई है। और हम यहां पर देखें तो यहां पर है ऑक्स केबल, यहां पर प्लस माइनस वॉल्यूम का, और यहां पर चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो इसे साइड रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या साथ में आया है इसका। तो मैनुअल है और चार्जर यहां पर है, ये चार्जर है इसका। और इसे ओपन करते हैं तो यहां पर हमको मिलते हैं 2 स्पीकर और 1 माइक्रोफोन। इसकी क्वालिटी मैं आपको सुनकर बताऊंगा कैसी क्वालिटी है, इसमें म्यूजिक प्ले करके बताऊंगा और GPS नेविगेशन, कॉल वगैरह सब कुछ क्वालिटी इसकी अब लगाने के बाद हम बताएंगे। तो साइड में रखते हैं इसको और हमें दिया यहाँ पर चार्जिंग केबल, और ये है हमारा इसमें हेलमेट में अटैच करने का सारा सामान। इसमें एलन की भी है और टेप भी दी गई है इसके अंदर। इसमें हमारा ऑक्स केबल टाइप कुछ दिया हुआ है, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसमें एक स्लॉट है यहाँ पर लगाएंगे इसको, और साइड में रखते हैं इसको। तो हमारे ब्लूटूथ को फ़ोन के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। MP3 है, GPS है, और इसमें मल्टी यूज़र कनेक्टिविटी है इंटरकॉम के ज़रिए। हम इसमें 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं अगर किसी के पास 3 है तो ये। और स्पीड जो है इसमें 120 kbps तक क्लियर वॉइस आएगी। ये वाटर रेजिस्टेंस भी है और इसकी जो रेंज है 800 मीटर से लेके 1000 मीटर तक है। अगर मेरे पास दूसरा होता तो मैं आपको इसमें लाइव डेमो करके दिखाता, तो ये मेरे पास सिर्फ सिंगल पीस है तो आपको सारी चीज़ बताऊंगा इसकी क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कैसी है। और देखते हैं इसमें FM रेडियो है और देखते हैं इसका कैसा है परफॉर्म करता है। मैं आपको इसमें हेलमेट में अटैच करके दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो मेरे पास है इसमें SBA2 हेलमेट, जैसे आप देख रहे हैं ये रहा SBA2 हेलमेट है। तो मैं इसमें अटैच करूँगा। यहाँ पर जो हर हेलमेट में होती है पैडिंग के अंदर एक जगह दी होती है, सभी हेलमेट के अंदर हमको एक स्पीकर की जगह मिल जाएगी जहाँ पर हम अपना स्पीकर अटैच कर सकते हैं। मेरे इसमें जगह दी हुई है पर इसमें जो होल्स हैं वो होल्स नहीं है। यहाँ पर इसमें होल्स करूँगा पहले मैं यहाँ पर, और फिर इस स्पीकर को अटैच कर दूँगा। तो इसमें अटैच करते हैं, इसकी पहले पैडिंग निकाल लेंगे। पैडिंग के अंदर हम यहाँ पर सब कुछ अटैच करेंगे। माइक्रोफोन, जैसे मेरे पास इसके एक्शन कैमरे का माइक यहाँ पर लग रहा है, देख रहे हो जैसा ये माइक मेरे पास है Firefly 8S, ये इसका माइक है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है उसकी, ठीक कह सकते हैं। ये Firefly 8S ये काम काफ़ी अच्छा करता है, 2-2.5 घंटे का बैकअप है इसका। ये भी आपको बेंगलुरु मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये काफ़ी सही है, स्टेबलाइजेशन सही है और फुल HD 4K तक रिकॉर्ड करता है। और आप क्वालिटी देखते होंगे, जो भी मैं वीडियोज रिकॉर्ड करता हूँ इसी कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये माइक है, ये 525 रुपये का अलग से माइक आया था और ये 8500 रुपये का कैमरा था Firefly 8S। और अब मेरे पास आ गया ये इंटरकॉम डिवाइस, मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगा और देखते हैं कैसा वर्क करता है और ऑडियो क्वालिटी सुन के बताऊंगा। पहले हम हेलमेट में अटैच कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये जो डिवाइस है बहुत काम का, ये आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा और वर्थ लगेगा। आप बिल्कुल भी इसे लेके पछताओगे नहीं कि हाँ मैंने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट करी है
पर ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है और कॉल के समय काफ़ी मदद करता है। अगर म्यूजिक सुनना चाहते हैं म्यूजिक सुन सकते हैं, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। एक अगर दूसरे एड्रेस से बात करनी हो तो भी बहुत कम आता है, तो इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं। तो कॉल अटेंड कॉल डिक्लाइन का ये है, वॉल्यूम अप डाउन का और नेक्स्ट और रिवर्स का सॉन्ग्स का यहाँ पर है। यहाँ पर हमारी ऑक्स केबल दी हुई है, यहाँ पर ऑक्स केबल ला सकते हैं और ये है यहाँ पर माइक्रोफोन अटैच और स्पीकर अटैच करने के लिए। अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो आइए पहले हम इसमें इसको लगाते हैं, अटैच करते हैं और ऑडियो क्वालिटी सुनाते हैं आपको कैसी है। इसमें देखिए हमने अटैच कर लिया है अच्छी तरीके से और इसे हम लॉन्ग प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसे ब्लू लाइट ब्लिंक होगी, मतलब कि ये ऑन हो गया है। तो अब इसके अंदर हम फोन से इसको कनेक्ट करेंगे, इसमें कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती हमें। यहाँ पर ही हमारा ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर कनेक्टिंग दिखा दिखाया जाएगा। यहाँ पर कनेक्टेड है अभी BTS नाम से। तो मैं आपका सॉन्ग चला के दिखाता हूँ, सॉन्ग की क्वालिटी कैसी है आप बताना कैसी आएगी। इसकी जो क्वालिटी बहुत ही लाउड है, अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो इसके लिए हम वॉल्यूम कम करना पड़ता है। यहाँ से इसका जो वॉल्यूम लेवल होगा वो नॉर्मल होगा। ऑडियो क्वालिटी सही है, स्पीकर फट नहीं रहे बिल्कुल भी। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफी अच्छी, मैंने कॉल करी थी अभी। काफी अच्छे क्वालिटी है सॉन्ग की, आप म्यूजिक को अच्छी तरीके से सुन सकते हैं और मजा ले सकते हैं गाने का अच्छी तरह। तो मैं इसमें आपको ऑक्स के वाले से टच कर दिखाता हूँ ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। यहाँ से इसमें कॉल डिक्लाइन हो जाता है, इससे फोन कट गया है इसका। ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जो लास्ट नंबर हम डायल किया था उसी पर कॉल लग जाती है। इसे हम कट कर देते हैं अब। हेलो बोल। तो ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। बोलिए प्रीतम, खुशी बोल, ठीक आ रही है ना आवाज? ठीक, कट कर दे फोन। कहाँ से कट कर देता हूँ मैं इसको, कहाँ से फोन से कट जाता है। तो अब इसे अटैच करते हैं और हेलमेट पे ला के देखते हैं। अगर किसी के हेलमेट में छेद ना हो ना तो ऐसे कर लेना, अगर अति लेना एक उसे फिर होल कर देना पैडिंग में। तो देख रहे हो आप कितने परफेक्ट छेद हुए हैं, 5 छेद कर लेना, 7 छेद कर लेना, 7। और फिर यहाँ पे आप स्पीकर लगा सकते हैं बड़ी तरीके से। और हम बात करें हेलमेट्स की, MT हेलमेट, MSK, LS2, उनमें जो होल्स हैं वो पहले से ही आते हैं, क्योंकि कंपनी सोच समझ के बिल्कुल ही परफेक्ट डिज़ाइन करती है पहले से ही कि हाँ इसमें बंदा जो है बाद में इंटरकॉम लगाएगा और फिर इसमें स्पीकर अटैच करेगा, तो कंपनी पहले से ही इसमें होल्स देती है। यहाँ पर इस साइड देखा हो आपने, मैंने सारा अभी सब कुछ फिक्स कर लिया है। इसमें स्पीकर्स लगा लिए, माइक्रोफोन भी लगा लिया इसके अंदर। अब इसमें फाइनल इंस्टॉलेशन लग रहा है, तो अभी हमारा पूरी तरीके से लग गया है, यहाँ पर हमारा व्यू फिट हो गया है। तो अब इसे हम इसमें जो मैं आपको स्पीकर्स दिखाता हूँ, स्पीकर्स कैसे कैसे लगे हैं इसके अंदर। तो हमारे यहाँ पर लगा है इसे माइक्रोफोन और ये स्पीकर है, देख रहे हो जैसे ये स्पीकर एक माइक्रोफोन, और इधर ही मैंने इसे चिपका दिया था, इधर एक स्पीकर है और ये वायर है, मैं इसके हेलमेट की पैडिंग के पीछे से छुपा दूंगा और फिर इसकी पैडिंग है वो लगा देंगे। तो अभी अब हम इसका फाइनल फिनिशिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर कैसा लगता है सब कुछ फिट होने के बाद। अगर इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसे फिट कर दिया है। अगर आपके पास कोई भी इसमें ब्रांड कंपनी का अगर आपके पास हेलमेट है तो इसमें जो पैडिंग है वो रिमूव हो जाती है सभी हेलमेट्स की, MT हो, LS2 हो या फिर MSK हो या फिर स्टील बैड का कोई भी हेलमेट हो आपके पास, तो इसकी जो पैडिंग है रिमूव हो जाती है। और इसमें स्पीकर्स हैं, यहाँ पर मैंने छेद किया हुआ है, वैसे और भी स्पीकर और भी हेलमेट्स आते हैं उन्हें पहले से ही इसमें जो है होल्स हुए आते हैं, तो मैंने इसमें अगरबत्ती से छेद करा है और इसमें जो ऑडियो है यहाँ पर स्पीकर फिट किया है, तो फिटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है और मुझे कोई परेशानी नहीं आई।
तो आपने देखा होगा कैसे मैंने फिटिंग करी थी। यहाँ भी एक स्पीकर है, यहाँ भी लगाया मैंने, तो ऑडियो क्वालिटी मैं इसकी सुनाता हूँ एक बार ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको। ये इसका माइक्रोफोन और यहाँ से ये अटैच होता है, यहाँ से ऑक्स की वाली अटैच हो जाती है अगर बाई चांस आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो। तो मैं अभी आपको इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले से लॉन्ग प्रेस कीजिए, इसमें आवाज़ आती है, इसमें ब्लू लाइट जल गई है और ये ऑन हो गया है। अब इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको बस मोबाइल कनेक्ट करना है ब्लूटूथ के ज़रिए। तो ये कनेक्टेड हो गया है, अब मैं आपको इससे म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ। इसकी जो लाउडनेस है इतनी अच्छी है कि आपको आसपास का जो ट्रैफिक है उसकी भी आवाज़ आएगी। ये नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ हेलमेट के म्यूज़िक की आवाज़ आए। तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये इसकी स्पीकर से दूर जाओ यार। स्पीकर क्वालिटी काफ़ी सही है, मतलब इंजॉय कर सकते हैं म्यूजिक को। बेस इसका ज़्यादा नहीं है ना ट्रिपल के ज़्यादा है, बस मतलब अच्छी है, म्यूजिक काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप लेना चाहे तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो एक्शन कैमरा देख रहे हैं ये फायरफ्लाई 8S, ये 4K तक वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और आपको जितनी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो इसी कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ बाइक के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी है इसकी और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। माइक है इसके अंदर, माइक लगा हुआ है, आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, पिछली वीडियो में। तो इसमें ऑडियो के लिए अलग से माइक लग जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसका बैकअप की बात करें तो 2 घंटे का बैकअप है इसका और 16 GB कार्ड फुल हो जाता है। और अगर हम इसके बैकअप की बात करें तो इसमें ये है कि अगर आप लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हैं तो आपका एक दिन तक आसानी से दे देगा। अगर आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट करते हैं कभी तो काफ़ी अच्छा बैकअप है इसका और 2 घंटे में फुल चार्ज जाता है। और इसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आपको भी ये चीज़ लेनी चाहिए, इंटरकॉम डिवाइस, ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये चीज़ बहुत सही चीज़ है। और आपको इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको 2,080 रुपये का अभी प्राइस है फिलहाल और डिस्काउंट मिल के आपको कुछ सस्ता पड़ जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके भी जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते हैं नितिन ऑटो राइड्स।